अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और टाइम हो रहा है, इस टाइम 4:45 होने वाले हैं और सैरी का टाइम हो चुका है बिल्कुल। सो फटाफट पहले करते हैं सैरी और उसके बाद जो है ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। सैरी में है पराठा चाय, तो फटाफट से क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है तो फटाफट से पहले करते हैं सैरी और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो यार पानी नहा दो क्या, कमाई हो चुका है रेडी। और आज है जुम्मे का दिन और है आखिरी रोज़ा, तो अलविदा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आखिरी जुम्मा है तो अगर नमाज़ वगैरह पढ़ के आपका भी हो चुका है फारिग, और नमाज अभी पढ़ने में नहीं जाऊँगा। जब आज पहली पढ़ ली मैंने उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करा है। नींद हद से ज़्यादा आ गई क्योंकि सुबह 6-7 बजे सोया हूँ और अभी दोबारा उठ गया था 11 बजे, 11:30 बजे लाइट गई हुई थी, फिर नींद ख़राब हुई। फिर अभी अभी उठ के यानी नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी आया था, तो मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो खैर अभी शॉप पर आने का भी टाइम हो चुका है और शॉप पर मुझे जल्दी आना था, मैं लेट हो चुका हूँ। तो फटाफट चलते हैं शॉप पे और वहाँ पे देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है। तो यार शॉप पर तो मैं पहुँच चुका था लेकिन मैंने व्लॉग बनाया शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम में निकला था बिरयानी वगैरह लेने के लिए। तो बिरयानी देनी है लड़कों को दुकान के ऊपर और हम लोग चले आएंगे फिर जो है वहाँ पर अपना क्या कहते हैं घर पर अफ्तारी करने के लिए। अच्छे ज़्यादा रश हो रहा है बिरयानी पर, बाकी यार अपनी अफ्तारी वगैरह ले लेता हूँ बेकरी से। अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, सो फटाफट बेकरी से अफ्तारी पकड़ के घर चलते हैं। सर फाइनली अभी आपका भाई घर पे आया है, सफ्तारी वगैरह भी ले ली, दुकान पे भी जिनको दे रही थी दे दी। अभी अभी घर पे हूँ, टाइम हो रहा है 7:10 है और माशाल्लाह 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 से माशाल्लाह माशाल्लाह से लाइट गई हुई है और माशाल्लाह से व्यूवर्स भी सारे शार्ट हैं भाई। एक दिन के अंदर 3 व्यूज़ मेरे ब्लॉग पे, 3 व्यूज़। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, लोग कहते हैं इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं इतनी ज़्यादा वीडियोज़ पर, भाई ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ एक दिन में 3 व्यूज़, यानी एक दिन में 3 व्यूज़ और 160 सब्सक्राइबर्स हैं। आप यकीन मानो सोच नहीं सकते कितना मुझे अफसोस है इस चीज़ का और कितना मैं अपसेट हूँ और कितना मैं समझे कि परेशान हूँ कि एक दिन में 3 व्यूज़, एक दिन में 10 व्यूज़। यानी ये समझे इतनी मेहनत लग रही है ना व्लॉगों में कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। एक होता है ना कि बंदे में टैलेंट है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है कि हाँ भाई मुझ में टैलेंट है, मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन लोग उस चीज़ को वही नहीं करते। लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो माँ सफदर को। अभी माँ सफदर के बेटे को ट्रेंड कर रहे हैं भाई, ये है कि बेटे को तो ट्रोल नहीं करना चाहिए माँ सफदर के। हाँ माँ को आप करो अगर ट्रोल कर रहे हो, मीमर जितने भी हैं उनके बेटे को ट्रोल कर रहे हो आप, तो वो एक चीज़ गलत है। लेकिन आवाम का क्या देख रही है, माँ सफदर देखेगी, डकी भाई को देखेगी, हम जो छोटे क्रिएटर हैं भाई इनको भी तो देखो आप, ये भी तो एक कंटेंट दे रहे हैं। डेली व्लॉग का मैं खुद भी कहता हूँ कि इतना अच्छा कोई कंटेंट नहीं होता। हाँ वीडियो आप बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट कोई नहीं है, नॉर्मली कंटेंट है एक। लेकिन मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट दे रहा हूँ, डेली के डेली कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मेरे एक दिन में 3 व्यूज़। यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं इस चीज़ पर कि एक दिन के अंदर 3 व्यूज़, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है ये मेरे लिए। मेरी अभी तक की किसी वीडियो पे ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 3 व्यूज़ आए हों या एक दिन में 10 व्यूज़ आए हों। ये मेरी पहली वीडियो है, यानी समझो एक वीडियो पे है एक दिन में 10 व्यूज़, एक वीडियो में एक दिन उसको पूरा होने वाला है, अभी कुछ घंटों में 3 व्यूज़ है। तो ये मेरी लाइफ की यानी जब से मैंने वीडियोज़ डालना शुरू करी हैं तो ये मेरी शुरू पर एक यही वीडियोज़ हैं जिन पर मेरे कम व्यूज़ हैं, वरना अभी तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिस पर कम व्यूज़ हों। 20-30 व्यूज़ मैं मानता हूँ कि हाँ ये भी कम होते हैं, लेकिन मेरे लिए भाई बहुत होते हैं कि भाई ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मशीनरी वो सॉफ्टवेयर सब्सक्राइबर्स नहीं है, ऑर्गेनिक है मेरे। तो अभी अभी खैर घर पे हैं, वो पूरा अफ्तारी का टाइम, सो अफ्तारी वगैरह करते हैं, अफ्तारी वगैरह ले ली थी, अब दिखाऊँगा क्या। अंधेरा ही हो रहा है पूरे घर में, लाइट ही गई हुई है माशाल्लाह से माशाल्लाह। गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है कि मगरिब का टाइम हो रहा है, रोज़ा खुलने का टाइम है, उसके बावजूद लाइट ली हुई है, ये हमारी गवर्नमेंट का हाल है। वेरी गुड माई गवर्नमेंट, आई लव इट, वेरी गुड, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है भाई हमारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इतनी अच्छी गवर्नमेंट तो और मुल्कों की है ही नहीं, और मुल्कों वाले तो अपनी आवाम के लिए इतनी सहूलतें पैदा करते हैं लेकिन ये लोग परेशानियाँ पैदा करते हैं। आई लव इट माई गवर्नमेंट। तो खैर फटाफट से करते हैं अफ्तारी और उसके बाद वापस शॉप पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। घर में अंधेरा हो रहा है, क्या करूँगा बैठ के, अफ्तारी वगैरह करके वापस शॉप पर चला जाऊँगा। तो भाई सुबह के हो रहे हैं 5:30 या 6:45 का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे शॉप्स खाली हो चुकी है काफ़ी सारी और काफ़ी कुछ बंद हो चुकी हैं। सुबह के 6:30 5 का टाइम हो रहा है और जैसा कि शॉप बंद करने का भी टाइम हो चुका है
तो लोगों का रश भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हम भी बस बन करके अब घर की तरफ रवाना होंगे। और व्लॉग वगैरह यार काफ़ी छोटा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर वाली बात है, अब व्लॉग जाहिर सी बात है लंबे आएंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इनके व्लॉग भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो जो है आप लोग ज़रूर वॉच करना। सो यार फाइनली अभी भी घर पर आ चुका हूँ, पौना टाइम जैसा मैंने बताया था 7:15 हो रहे हैं और पूरे पूरे 7:15 हो गए हैं। और अभी अभी आपका भाई आया बिल्कुल घर पे। बस ज़्यादा वाली थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गए यार। सीज़न में यही होता है कि ये तो फिर हमारी दुकान जल्दी बंद हो गई शॉप, यानी बाकी दुकानें तो 10 बजे 8 बजे ऐसे बंद होती हैं। तो खैर अभी जो है 7:30 बजे करीब ईद की नमाज़ है, तो ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। बाकी जो है सब चीज़ें बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा सीज़न गुजरा, बहुत मज़ा भी आया, आप लोगों को हर चीज़ दिखाई भी, बहुत एंटरटेनमेंट भी हुई, बहुत मज़े भी करे, सब चीज़ें हुई। तो यही बस कहने का मकसद था कि यार बहुत अच्छा रहा सीज़न, बहुत मज़ा आया। और ये था कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, बाकी तो ये हम प्रॉपर सेलमैन हैं, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बंदा सीखता रहता है कि वो सीखी। और अभी अभी जस्ट घर पर आया हूँ, टाइम बिल्कुल 7:15 हो चुका है और अभी 1.5 घंटे यानी 1.25 घंटे बाद ईद की नमाज़ है। तो बस नहा धो के फ्रेश होते हैं और ईद की नमाज़ के कपड़े वगैरह निकालते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाएंगे। तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने चलेंगे, तो फिर जब व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।